राजकीय प्राथमिक विद्यालय शहदोर में बच्चों के भोजन के साथ हो रहा है बड़ा खिलवाड़। विद्यालय में बच्चों को धूल मिट्टी में बैठाकर खाना खिलाया जाता है, जिस कारण बच्चों की प्लेट में धूल मिट्टी चली जाती है और इससे बच्चों को बीमारी भी जकड़ सकती है। वहीं बच्चों के भोजन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शमशीरन, कितने साल से खाना बना रही हो आप? मुझे 80 होंगी, होगी होंगी 6-7 साल। खाना किसके अनुसार बनाती हो, किसी कहने पे खाना बनाती हो? किसी खाने पे, गुरुजी के। गुरुजी कहने पे? हाँ। अच्छा, खाना खिलाने की कोई व्यवस्था है? सही व्यवस्था कैसे? फट्टी उट्टी बिछाने की व्यवस्था है? कुछ नहीं है, फट्टी बिछती है नहीं? ना फट्टी ना बिछाए, ऐसी खिलावा है, ऐसी घास में खाने जा रही है। घास में? बताओ जरा, कहाँ पे खिलाती हूँ? इस पे खिलाते हैं, घास में। कहाँ घास पे खिलाओ, इस बरामदे में खिला देते हैं। वहाँ पे ऐसी धूल में ही? बरामदे में धूल है, फर्श पे टूटा हुआ फर्श है ना, वो तो धूल ही तो है। झाड़ू मारे खिलाते हैं। अच्छा, कितनी भोजन माताएं हैं? चार। फट्टी नहीं बिछाते हैं? बिछाते हैं नहीं बिछाते हैं? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है? पानी की कोई व्यवस्था रखी है? जल वगैरह देते पीने को? नहीं देते? बोतल अपने घर से लाती हो? अच्छा, खाना सही मिल रहा है तुम्हें? हैं, मगर बिठालते घास में बिठा रहे हैं, घास में बिठाल के। अच्छा, कुछ बताओ अपने अपने उससे बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? बड़ा नाम बताओ। हैं, सबनूर। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? हैं, एक में। अच्छा, तो खाना घास में बैठ के खाते हैं? हैं, बताओ काय में बैठ खाती हो? नीचे जमीन में। भट्टी नहीं बिछाते? नहीं बिछाते? 2019 से 2004 तक पहले प्रभारी श्रीमती साहिस्ता मलिक जो अभी मैटरनिटी पे हैं, वो अभी मातृत्व अवकाश में हैं। इसी उपरांत मैंने जितने भी चार्ज में जो व्यवस्था है मेरे को, वैसे तो कोई मत है ही नहीं, कोई मत नहीं है, मत के जैसे एक्स वाइज कोई मत नहीं है, तब भी जो हमारा व्यवस्था है वो हम संभाल रहे हैं। और हमारा प्रयास है, गांव वालों से भी प्रयास यही रहेगा कि आप अधिक से अधिक अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें। और मैं हर जगह हर गली में भी जाता हूँ कि भोजन माताओं से ही कहा है कि आप टाट पट्टी बिछाएं, क्योंकि मेरे टाट पट्टी मेरे पास थोड़ी सी उपलब्ध हैं, पूरी उपलब्ध नहीं है। और जो मेरे पास दरिया है वो रूम टू रीड की ही मेरे पास उपलब्ध है। इस कारण जो कक्षाओं में मैंने रूम टू रीड की दरियाँ बिछा रखी हैं उस कारण, और कुछ टाट पट्टियाँ हैं जो बिछा के हम खिलाते हैं। विभाग से ये होता है, विभाग जब मत देता है, जैसे पिछले साल जो अनुदान राशि थी वो अनुदान राशि मेरी विगत जो चार्ज में थी, जो विगत मेरे चार्ज में, उनके संज्ञान में है। और जब से मेरे पास प्रभार आया इस मद की मेरे पे कोई भी जानकारी नहीं है कि मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ कहाँ से ना।